अलैकुम। स्मोक फैन में डैम्पर का करेक्शन कैसे किया जाता है? यानी कि पहले डैम्पर ओपन होना चाहिए और फिर वो एक लॉजिक बनाना है। पहले डैम्पर ओपन होना चाहिए और फिर बाद में फैन चलना चाहिए। स्मोक फैन है या प्रेशर फैन, तो इसमें ये जो वायर है ये पावर की वायर है, डैम्पर की 24 वोल्ट पावर। तो इसको हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है? ये जो फायर की रिले है, फायर की रिले की जो पावर है, पावर के साथ इसकी एक वायर कनेक्ट होगी। ये वायर कनेक्ट होगी, ये फायर रिले की पावर के साथ ये हमने कनेक्ट कर दी A1 में। और उसके बाद इसकी 24 वोल्ट की जो जीरो है वो हमने कनेक्ट करनी है ये जीरो की जगह। ये 0000 जो हमने निकाला इसमें हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है इस जगह पे। हमने यहाँ कनेक्ट करनी है, छोटा हो गया उसके लिए ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दी। तो पावर इसकी यहाँ पे ए रिले के A1 में और यहाँ डबल यहाँ इसकी जगह में कनेक्ट कर दी हमने। अब रह गया डैम्पर का स्टेटस, यानी कि डैम्पर फुल ओपन होगा तो स्टेटस आएगा तो ये चलेगा। तो ये डैम्पर का स्टेटस हम लोग ने कनेक्ट करना है इस वायर के साथ। ये जो हमने वायर निकाली 00 वाली, इसके साथ एक वायर हम कनेक्ट करेंगे। ये इसके साथ कनेक्ट हो गई और इसकी दूसरी वायर थोड़ा पीछे करोगे। एक बार हमने जो निकाली इसके साथ कनेक्ट कर दी, दूसरी बार हम कनेक्ट करेंगे इसकी जो 0 सेकेंड वायर हमारी ये कनेक्ट होगी। अभी जब भी फायर आएगा तो पहले इसका डैम्पर खुलेगा, बाद में ये फैन रन होगा। अभी आपको ये रन करके डैम्पर नजर आ रहा है, मैं अभी डैम्पर पर लगा, उस पर लगा। ये हमने यहाँ पे जंपर डाला है इसको, और जब भी वो फुल ओपन होगा आगे करके लगाओ।
हो गया।